और अभी कुछ ऐसा टेंशन वेंशन नहीं लेने का कि पासपोर्ट होगा नहीं हुआ, मतलब जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं उसका टेंशन कभी मत लेना, और हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है तो उस चीज़ पे भरोसा रखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो किशोर गोस्वामी ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम फाइनली आ चुके हैं मैं और चिंटू महसाणा स्वामी विवेकानंद लेक, जो कि ये पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे आज हम घूमने वाले हैं। यहाँ पे आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसा है कैसा नहीं ये लेक। और यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है जो कि है 10 रुपीज़। हमने 20 रुपीज़ वहाँ पे किए हैं और फिलहाल हम टिकट लेके जो अंदर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। गाइस चिंटू फिलहाल लेक दिखाने वाला है, दिखा कैसा लगा मेरा मजाक। तालाब दिखा मन, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। हाँ चलो, स्वामी विवेकानंद लेक, स्वामी विवेकानंद लेक। यहाँ पे पानी बहुत ही कम है, आप देख सकते हो, देखो पानी देखा। हाँ दिखा है ना। हाँ, और यहाँ पे देखो छोटा छोटा यानी कि पौधा यहाँ पे लगा है। आगे लोकेशन कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फिलहाल उस साइड जा रहे हैं हम। इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। चिंटू अभी चश्मा नहीं ना, तो मेरी आंखें दिख ही नहीं रही है, मतलब खुली नहीं रही है। लेकिन मैं घर से लेके आया था, मेरे को पता था। ना हम एक्चुअली आए थे, चिंटू का पासपोर्ट निकालना है ना, तो सब लेकिन 9:30 थी ना अपॉइंटमेंट, 9:30 अपॉइंटमेंट थी। और हम मैं सो गया था, मेरे को पता नहीं था। कॉल किया था इसको पर याद नहीं था कि हमें एग्जैक्टली यहाँ जाने वाले। तो उस वजह से ले लो, बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम दूसरी अपॉइंटमेंट ले लेगी। अभी ऐसा नहीं, अभी जाने का विदेश है, लेकिन पासपोर्ट निकलने के बाद एहसास होता है कि हमने विदेश का पासपोर्ट निकाल दिया। कुछ दंका काम किया जिंदगी में। टेंशन नहीं लिया, कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, फिर से पैसे भरेंगे, फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। बट सीन ये हो गया है। और यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स वगैरह है वो आपको दिखाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो कपल्स है, हमने पूरा घूमा, लड़की लड़का साथ में ही बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप भी कपल हो तो आ सकते हो, अच्छी जगह है। बट क्या करें, अभी सभी जगह पे हमारा जो पिंडल है, तालाब है, वहीं पे भी ऐसा ही हो चुका है। बट वो जो उससे बेटर है थोड़ा बहुत, है ना चिंटू। अच्छा, यहाँ पे राइड्स बहुत ही अच्छे हैं ना। हाँ, बच्चों के पर अभी फिलहाल बंद है, आपने देखा ना वीडियो में, वो फिलहाल बंद है। शायद रात के समय खुलते होंगे ना, ऐसा कुछ होगा, रात के समय खुलते हैं मेरे को पता है। और फिलहाल ये लोकेशन हमें अच्छा लगा। ये किसका पेड़ है, क्या बोलते हैं इसको, मेहंदी वाला पेड़ है शायद। बट इसकी परवरिश अच्छे से की है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और अच्छा लग रहा है फिलहाल। यहाँ पे छाव में खड़े, यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सब कुछ पूरा। हाँ, रात का नज़ारा डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही सही होने वाला है। बट हम यहाँ पे दिन में आ गए क्योंकि अभी हमें टाइम मिला, और कांड हो गया ना हमारे साथ, अपॉइंटमेंट मिली नहीं। काम तो एक ही काम तो हो गया हमारा, ब्लॉग बन गया। सबसे मेन काम ये हो गया क्योंकि हम लास्ट टाइम तालविन के मीटिंग में गए थे, वहाँ पे जब विदेश पे जाएगा ना तब ब्लॉग भी बनाने के लिए जाते हैं इसीलिए। लेकिन वहाँ पे बना, इधर बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घूमने के लिए जाने अमेरिका जाए या
कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, हाँ वो पक्का है, पक्का है जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े लाइफ में, वहीं बाहर तो जाने वाले, बाहर तो जाने वाले। और अभी कुछ ऐसा टेंशन वेंशन नहीं लेने का कि पासपोर्ट होगा नहीं हुआ, मतलब जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं उसका टेंशन कभी मत लेना, और हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है तो उस चीज़ पे भरोसा रखना। पैसा हो तो जिंदगी में सब कुछ, पैसा हो तो दुनिया तो आपके पीछे पड़ेगी वैसे ही। टाइम गलत नहीं होता यार, इंसान गलत होता है यार। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हम पूरा घूम के आए, लेकिन ऐसी घूमने की ही जगह है, मतलब पैदल चल सकते हो आप। और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए खेलने वाली कुछ राइड्स है वो फ्री है, बट 10 रुपीज़ आप पहले पे करके ही आए तो वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे ये नज़ारा थोड़ा अच्छा लगा है ना जी, ये नज़ारा अच्छा लगा। और वीडियो ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसे ही कपल लोग जो बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसको क्या बोलते चिंटू? तंबू। हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट आप कमेंट्स में बताना इसको क्या बोलते हैं। और फिलहाल दुकान है यहाँ पे लेकिन सारी बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। और यहाँ पे लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में हो। यहाँ पे एक कैमरा दिखा अभी मुझे दुकान पे, ये वाला देखो ये, हाँ अभी एक कैमरा नज़र आया है हमें। सभी ने पीके फिल्म तो देखी होगी, आपने देखी ना चिंटू? पीके फिल्म देखी ना तूने? हाँ देखी है ना। ई गुला में क्या रखा है? लाए हो? ई गुला में कुछ छुपा के रखा है। ई गुला में क्या रखा है? पीके फिल्म देखी है। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी फिल्म। ओ फेसबुक में भी आती है ना वो शॉर्टकट वीडियो, इसमें भी पीके वाली रील्स वाली। और यहाँ पे हमारा जो गेट आ गया है जहाँ से हम एंट्री किए थे, मतलब पूरा घूम लिया यहाँ पे आप देख लो। सबसे अच्छा ई गुला लगा हमें, गुला लगा हमें अच्छा। पता नहीं इसके अंदर क्या जादू निकलेगा, बट ये अच्छा लगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो बैठे हैं, कैसे बैठे देखो। एक कोना पकड़ के बैठे, किसी को लगेगा ये गर्लफ्रेंड को लेके बैठे, बट ऐसा है नहीं, हमारी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, और हिम्मत भी नहीं होती किसी लड़की को प्रपोज करने की। तो रहन दो फिर। एक बार किए थे सब यार, हो गया सब। माना हमें छिड़ना नहीं आता यार, पर तुम स्टार्ट तो करो। क्यों हंस रहे? तूने भी किया था ये? देखो ब्लॉक का एंड करने पहले। हाँ नहीं, ब्लॉक का एंड करने बैठे फिलहाल। यहाँ पे ये अंकल आ रहे कुछ वाइट कपड़े पहन के, फिलहाल यहाँ पे तो प्लान भी जा रहा है, शायद आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे है ना, सिखाने वाला, सीखते हैं मतलब यहाँ प्लान चलाना है, कैसे करते हैं। और कुछ बोलेगा चिंटू कैसा रहा यहाँ? देखो आपको आना है तो शाम को आना, समझ में आया ना? नाइट पे यहाँ पे लाइट भी, लाइटिंग बहुत अच्छा शायद लग रहा है, ऐसा हमने देखा नहीं, बट रात को आप आ सकते, रात को आप आओगे नज़ारा अलग ही रहेगा, अलग रहेगा। दोपहर में तो यहाँ पे धूप लगी थी आपको? हाँ हम घूमे लेकिन ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा नहीं लगा जैसे चाहता हमने के चलो मेहसाने में जाएंगे, ये क्या स्वामीनारायण लेक, हाँ स्वामीनारायण वहाँ पे जाएंगे बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन इतना सारा नज़ारा बाहर से अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था ना, तो हमें लगा अच्छा होगा, बट लेकिन यहाँ पे क्या बैठने के लिए कपल लोग कोई, हमें बेंच बनना है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। हम लोगों को घूमने फिरने वालों को नहीं अच्छा लगेगा, जो ब्लॉगर है उनको ऐसी जगह अच्छी नहीं लगेगी शायद। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं वीक में एक बार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।